उत्तर प्रदेश में नकल पर नकेल कसने की वजह से 5 दिन में 10,47,000 छात्र परीक्षाएं छोड़ चुके हैं। बोर्ड परीक्षा रिजल्ट को लेकर के 10 और 12 के सभी छात्रों के लिए इस वक्त की सबसे बड़ी गुड न्यूज आ रही है। इस साल 2023 में 4 बड़े बदलाव कर दिए गए हैं, जो कि आप सभी छात्र छात्राओं के लिए गुड न्यूज बनकर के साबित हो रही है। आपको सारे प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा लीजिएगा। चलिए बताते हैं सबसे पहली बड़ी गुड न्यूज। दोस्तों, इस साल 10वीं और 12वीं में बोर्ड परीक्षा की कॉपी चेक करते समय सभी एग्जामिनर को सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिया है, कोई भी छात्र किसी भी सब्जेक्ट में यदि 2-3 नंबर से फेल होता है तो उसे पास कर दिया, यानी कि 2-3 नंबर देकर के उस सब्जेक्ट में उसे पास कर दिया जाएगा। वहीं दूसरी बड़ी गुड न्यूज, 10वीं और 12वीं के छात्र यदि फेल होने से बचना चाहते हैं तो आप सभी को एक काम करना है, अपने मोबाइल में गूगल पर सर्च कर लेना है पीडीएफ मंडी। जी हां दोस्तों, पीडीएफ मंडी सर्च करते ही पहली वेबसाइट को ओपन कर लेना है। जी हां दोस्तों, ध्यान से देख लीजिए, पीडीएफ मंडी आपको सर्च करना है। सर्च करने के बाद पहली वेबसाइट को ओपन कर लेना है। यहां पर आप सभी को मिलेंगे बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसे आप तैयार करके 80-90% आराम से ला सकते हो। साथ ही साथ हर सब्जेक्ट का मॉडल पेपर डाउनलोड करके अपनी पढ़ाई में 4 चांद लगा सकते हैं, यानी कि अच्छा नंबर आप सभी को मिल जाएगा। वही दूसरी बड़ी गुड न्यूज ये आएगी, वही सभी ज्ञान को निर्देश यह भी दिया गया है, कोई भी छात्र यदि 10वीं का 5 सब्जेक्ट में पास होता है और लास्ट किसी एक सब्जेक्ट जैसे कि गणित अंग्रेजी जैसे कठिन विषयों में फेल हो जाता है तो उसे उस सब्जेक्ट में गेस मार्क देकर के पास कर दिया जाएगा, चाहे उस सब्जेक्ट में उसे 10 नंबर एक्स्ट्रा क्यों ना देना पड़े। वहीं 12वीं के छात्रों के लिए भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कॉपी चेक करने वाले सभी टीचरों को निर्देशित किया है कि कोई भी छात्र यदि 12वीं का 4 सब्जेक्ट में पास होता है और लास्ट किसी एक सब्जेक्ट में यानी कि किसी कठिन विषय जैसे मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री अंग्रेजी जैसे कठिन विषयों में फेल होता है तो उसे उस सब्जेक्ट में गेस मार्क देकर के पास कर दिया जाएगा, चाहे वह 10 नंबर एक्स्ट्रा उस सब्जेक्ट में क्यों ना देना पड़े। इस साल यूपी बोर्ड रिजल्ट में इस नए नियम के लागू होने से लाखों छात्र फेल होने से बच जाएंगे। वहीं तीसरी बड़ी गुड न्यूज यह है कि 2023 की बोर्ड परीक्षा कॉपी चेकिंग में स्टेप मार्किंग की जाएगी, यानी कि आप जितना लिखोगे उतना आप सभी को नंबर मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, इससे बहुत सारे छात्र छात्राओं को अच्छा नंबर मिलने वाला है, यानी कि आप सभी मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन है यदि आप बना के लिखते हो तो उसमें 2-3 नंबर जरूर मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, चौथी बड़ी खुशखबरी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस साल बोर्ड परीक्षा 2023 में 10वीं और 12वीं के किसी भी सब्जेक्ट में यदि कोई भी प्रश्न गलत पूछा जाता है या आउट ऑफ सिलेबस से प्रश्न आता है क्वेश्चन पेपर में तो उस प्रश्न पर सभी छात्र छात्राओं को एक समान नंबर दिए जाएंगे, यानी कि जितने नंबर का क्वेश्चन होगा उस पर सभी छात्र छात्राओं को बराबर नंबर मिलेंगे, चाहे आप उस प्रश्न को हल किए हो या नहीं किए हो। इस वीडियो में बताई गई जानकारी को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करिएगा, क्योंकि यह जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है आप सभी छात्र छात्राओं के लिए। दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा लें।